उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर वन बना है। यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। जन समस्याओं के समाधान को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सभी अधिकारियों को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। फील्ड में तैनात अधिकारियों को दिए गए निर्देश। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के मददगार शकील ने पूछताछ में किए कई अहम खुलासे। सूत्रों के हवाले से खबर। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था मिन्हाज। केरल के मल्लपुरम की घटना को देखकर आया था आइडिया। लखनऊ में करीमुल्ला की आम के बाग में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। व्यापारियों का जाना हाल। मलिहाबाद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा यहां के आम विश्व प्रसिद्ध है लेकिन आज तक मलिहाबाद का विकास नहीं हुआ। योगी सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियों पर बने गाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला हमला। लिखा उपलब्धियों पर बनाए गए गाने में भी छाए सिर्फ सपा के काम। लखनऊ में कांग्रेस के मौन धरना मामले में FIR। 500 से 600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन पर कार्रवाई। FIR में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं है। लखीमपुर खीरी के पसगवां की पीड़ित महिलाओं से हुई बदसलूकी पर सियासत जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात करके दिया आश्वासन। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे पर यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने सारा निशाना। कहा प्रियंका कहीं भी जाएं महिलाओं के लिए यूपी पूरी तरह सुरक्षित। जौनपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर सारा निशाना। कहा सपा बसपा ने निशानों को बर्बाद कर दिया। यूपी विधानसभा सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही पोशाक पहनेंगे सभी। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम योगी ने देखा प्रेजेंटेशन। अगस्त में एयरपोर्ट का हो सकता है शिलान्यास। यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज करेगी 300 करोड़ का निवेश। बाराबंकी में खरीदी जमीन। जल्द शुरू हो सकता है काम। 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी लोक सेवा आयोग ने PCS 2019 और 2020 की कट ऑफ जारी की। आयोग की वेबसाइट पर 23 जुलाई तक देखी जा सकती है कट ऑफ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कांवड़ संघों से यात्रा स्थगित करने की अपील की। महंत नरेंद्र गिरी ने शिव भक्तों से नजदीक के शिवालयों में पूजा पाठ करने को कहा। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कहा विरोध किया। कहा हिंदू पर्वों पर स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट कश्मीर से हिंदुओं को भगाए जाने पर मौन क्यों। अयोध्या में विवादों में फंसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई एक और जमीन। चंपत राय समेत 4 लोगों को सिविल कोर्ट का नोटिस। 6 अगस्त तक मांगा जवाब। बद्री केदार समेत 4 धामों के गर्भगृह का टीवी पर नहीं किया जाएगा लाइव प्रसारण। कल हुई 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक में लाइव प्रसारण को लेकर हुई थी चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी का मत लाइव प्रसारण नहीं करने के पक्ष में आया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। कहा योजना से मिलेगा 2 बच्चों वाली मां को लाभ। पहले चरण में करीब 16,000 महिलाओं को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में वन विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा वन विभाग में जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड की होगी भर्ती। हरिद्वार में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बैठक करके किसानों का हाल जाना। केंद्र और राज्य की योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। देहरादून में रेलवे बोर्ड के सदस्य ओपी सिंह ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मौके पर अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। स्कूटी को रिक्शे पर चढ़ाकर महंगाई का दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थि अवशेष को पूरे विधि विधान से हरिद्वार में गंगा नदी में किया गया प्रवाहित। मौके पर पूर्व सीएम के परिजन रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण के चलते चमोली में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से पटरी से उतरा। पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित है। संभल में सपा के पूर्व विधायक के घर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। ड्राइवर ने अपने ही एक गैंगस्टर साथी के साथ चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरी के 48 लाख पुलिस ने बरामद किए।
फरुखाबाद में चोरी के आरोप में ग्रामीणों की हुई पिटाई, दबंगों ने मुर्गा बनाकर पीटा, कैमरे में कैद हुई दबंगों की करतूत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नोएडा में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कोरोना की दवा की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी आकाशदीप प्रसाद 10,000 का इनाम। आगरा के मणपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में दिनदहाड़े हुई डकैती, हथियारबंद 6 बदमाशों ने लूटा 17 किलो सोना और 5 लाख कैश, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। आगरा में मणपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में दिनदहाड़े हुई डकैती के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, फरार हुए 4 बदमाशों की तलाश जारी, बदमाशों ने 17 किलो सोना और 5 लाख कैश जब्त किया। अयोध्या में जमीन विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों तरफ से चले जमकर लाठी और डंडे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने घटना का लिया संज्ञान, जांच जारी। महोबा में भंडरा गांव में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने पड़ोसी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को हथियार में के साथ गिरफ्तार किया। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की कम नहीं हो रही मुश्किलें, एम्बुलेंस कांड में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में टीमें जुटी। महाराजगंज के ठूटीबारी कोतवाली इलाके में बाइक सर्विसिंग का पैसा मांगने पर दबंगों ने सर्विसमैन को पीटा, मामले में पीड़ित शख्स ने दर्ज कराया केस।